आज के इस वीडियो में बताएंगे कि डाइड मधेपुरा से डीएलएड के एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि पीटीएसी सुखासन के द्वारा आप किस तरह डीएलएड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, पीटीएसी सुखासन में डीएलएड सेशन 2022 में किस तरह आवेदन कर सकते हैं, वो वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देख लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको नहीं देखे देख लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज के इस वीडियो में बताएंगे डाइट मधेपुरा में किस तरह आप डीएलएड 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं एडमिशन के लिए, तो जानेंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश करेंगे कि चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के नॉलेजफुल सबसे पहले आप तक पहुंचे। यहाँ पे अंतिम डेट की बात कर लेते हैं, अंतिम डेट आपको 21 दिसंबर से 4 जनवरी तक का दिया गया है। 21 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए आपको dietmadhepura.diet.com पे आना होगा, ठीक है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इस वेबसाइट पे आएंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, सबसे पहले आपको एक ट्रांजेक्शन आईडी लेना होगा, जिसके लिए यहाँ पे गेट ट्रांजेक्शन आईडी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ट्रांजेक्शन आईडी पर क्लिक करेंगे न्यू टैब ओपन हो जाएगी, तो उसके बाद कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह, यहाँ पे आपका जो विद्यालय वो किस स्टेट में, यहाँ बिहार को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि डाइट मधेपुरा बिहार में आता है, तो इसके लिए हम बिहार को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टाइप को हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए हमको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टाइप सिलेक्ट करना है, ठीक है। एडुकेशनल अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको डाइट मधेपुरा नहीं मिलेगा, इसलिए आपको यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करना होगा। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद गो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नेम ही इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे DIET लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एडुकेशन एंड ट्रेनिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। ये वाला ऑप्शन को आप सेलेक्ट करना, देख लीजिएगा डिस्ट्रिक्ट जिसमें मेरा माउस सेलेक्ट है, यही वाला आपको ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, तो जैसे आप सबमिट करेंगे इसका एड्रेस आ जाएगा, आजाद टोला वार्ड नंबर 20, ठीक है, मधेपुरा, ठीक है। तो ये इनका कॉलेज का एड्रेस है, तो ये मेरा सही है। तो उसके बाद कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, फी को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही फी को सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट का स्टूडेंट का फुल नेम देंगे, उनके फादर्स का फुल नेम, उनके मदर का फुल नेम, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर देंगे, यहाँ पे कैटेगरी देंगे, जेंडर है, ओबीसी है, ईबीसी है, एससी है, एसटी है, या अगर विकलांग है तो वो कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अप्लीकेशन फी आपको 100 देना, क्योंकि आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए 100 देना होगा। उसके बाद ये सब मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे फुल नेम देंगे, डेट ऑफ बर्थ देंगे कैलेंडर से, उसके बाद मोबाइल नंबर देंगे, ईमेल आईडी देंगे, इस कैप्चर को इस बॉक्स में इंटर करेंगे। ये पूरी डिटेल देने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे आपने जो डिटेल पीछे फिलअप किया वो सारी डिटेल यहाँ पे शो कर जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं अप्लीकेशन फी आपको 100 रुपये लगेंगे। उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आप SBI की नेट बैंकिंग से करेंगे तो उसके लिए आपको 11 रुपये अलग से चार्ज देना होगा। अगर अदर बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग से करते हैं तो 17 रुपये आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। अगर आप SBI की इंटरनेट अगर SBI के आप डेबिट कार्ड से करते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर दूसरे किसी बैंक के डेबिट कार्ड से करते हैं तो इसके लिए भी कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड से करते हैं इसके लिए आपको 12 रुपये चार्ज लिया जाएगा। अगर UPI से करते हैं तो UPI में भी आपको कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। चलिए ATM कार्ड से हम पेमेंट करेंगे, उसके लिए यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ATM कार्ड नंबर डालेंगे यहाँ पे एक्सपायरी मंथ और ईयर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे कार्ड होल्डर का जो कार्ड पे नाम है वो देंगे। उसके बाद यहाँ पे CVV नंबर देंगे, इस कैप्चर को इस बॉक्स में इंटर करेंगे। उसके बाद पे बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल पे OTP भेज दिया जाएगा, उस OTP को यहाँ पे इंटर करेंगे। OTP इंटर करेंगे, उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। OTP देंगे, OTP देने के बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ पे हमें एक रेफरेंस नंबर भी मिल चुका है, इसे हम डाउनलोड करेंगे। क्लिक हियर टू व्यू पे क्लिक करके डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड हो जाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे हमें जो मैंने चलाना भी कटवाया इसमें एक रेफरेंस नंबर हमको मिला है। ये ट्रांजेक्शन नंबर हुआ, इसको कॉपी कर लेंगे, ये ट्रांजेक्शन नंबर है, ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं।
कॉपी करने के बाद आपको डाइट के मधेपुरा की इस वेबसाइट पर आना, उसके बाद अप्लाई फॉर DLA 2022 पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये ईमेल आईडी जो है, इस पर एक कॉपी अप्लाई की कॉपी भेजा जाएगा। अगर ईमेल आईडी बदलना चाहते हैं स्विच अकाउंट पे क्लिक करके ईमेल आईडी बदल सकते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी देंगे, यहाँ मोबाइल नंबर देंगे, यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी देंगे जो मैंने कॉपी किया है, ठीक है, वो ट्रांजेक्शन आईडी देंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको देना होगा किस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके साइंस है, अगर आपके ट्वेल्थ में साइंस है तो आप साइंस को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके ट्वेल्थ में साइंस के साथ उर्दू सब्जेक्ट भी है तो आप उर्दू से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आर्ट है तो आर्ट से अप्लाई करेंगे। अगर आप इंटर में आर्ट से तो आर्ट से, अगर इंटर में आप साइंस से साइंस से अप्लाई कर सकते हैं। अगर इंटर में आपको साइंस के साथ साथ उर्दू का भी एक सब्जेक्ट था तो आप उर्दू से भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हो उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। अभ्यर्थी का नाम यहाँ पे हिंदी में देंगे। हिंदी में नाम अगर लिखने में दिक्कत हो तो आप गूगल इनपुट टूल का हेल्प ले सकते हैं, जिसका लिंक भी हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। गूगल इनपुट टूल पे आप हिंदी में लिखेंगे, वो अंग्रेजी में लिखेंगे तो वो हिंदी में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। उसके बाद यहाँ पे अंग्रेजी में लिखेंगे अभ्यर्थी का नाम, ठीक है, वो अंग्रेजी में लिखेंगे। उसके बाद उसके फादर्स का नाम हिंदी में, फादर्स का नाम अंग्रेजी में फुल नेम, मदर्स का फुल नेम हिंदी में और मदर्स का फुल नेम अंग्रेजी में, ये सारे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्थायी पता, वर्तमान पता लिखेंगे। उसके बाद जन्म तिथि लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद यहाँ पे लिंग को सिलेक्ट करेंगे, मेल या फीमेल। उसके बाद यहाँ पे जाति आपको सिलेक्ट करना है, किस जाति से आते हैं। अगर आप एस सी एस टी तो आपको आरक्षण भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे विद्यालय का नाम, जो भी मैट्रिक जिस विद्यालय से किए उस विद्यालय का क्या नाम था वो देंगे। किस वर्ष आपने उत्तीर्ण किया, किस वर्ष आपने इस विद्यालय से पास हुए वो देंगे, और मैट्रिक किस वर्ष आप पास हुए वो देंगे। उसके बाद यहाँ पूर्णांक में आपको देना होगा टोटल कितने मार्क का परीक्षा हुआ था। जैसे कि पता कि मैट्रिक जो होता है वो 500 का होता है, तो यहाँ पे पूर्णांक 500 देंगे। पत्रांक में यहाँ पे देंगे कितना मार्क आपको आया, वो आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद यहाँ पे प्रतिशत देना होगा, नीचे में जितना भी प्रतिशत आया होगा आपको प्रतिशत देना होगा। प्रतिशत कैसे निकल, जितना भी मार्क आया उससे 5 से भगा दे देंगे, जो भी आपका आंसर आए वो आपका प्रतिशत हो। जितना भी मार्क आया था उसको 5 से भगा देंगे, उसके बाद जितना भी आता है वो आपका प्रतिशत हुआ वो दे देंगे। इसी तरह यहाँ पे ट्वेल्थ के कॉलेज का नाम देंगे। ट्वेल्थ के कॉलेज के नाम देने के बाद आपको ट्वेल्थ किस बोर्ड से था बोर्ड का नाम देंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे किस वर्ष आपने पास किया, यहाँ पे फुल नेम और कितने का था, कितना आपको आया और कितना प्रतिशत आपको आया, ये सब दें। उसके बाद अगर स्नातक वगैरह कर रहे हैं तो ये डिटेल भर सकते, नहीं तो इसे आप खाली छोड़ सकते। ये पूरी डिटेल देने के बाद यहाँ आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जिसमें आपको फोटो, मैट्रिक अंकपत्र, इंटर अंकपत्र, मूल प्रमाण पत्र, स्नातक या जाति प्रमाण पत्र, आवास ए आए, तो यहाँ पे आप ये सब सारी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते जो आपके पास अवेलेबल हो, जिसमें फोटो, मैट्रिक का अंकपत्र, इंटर का अंकपत्र। अगर आप रिजर्वेशन कोटा में आते हो तो आपको जाति प्रमाण पत्र और आवासीय ये सब अपलोड करना होगा। ये अपलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए अपलोड करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे उसके बाद सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे और जितने भी डॉक्यूमेंट वहाँ पे मांगे गए उसमें जो भी आपके पास अवेलेबल है वो सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर लेना हो। चलिए यहाँ फोटो मांगा गया, फोटो को सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल के साथ ट्वेल्थ का मार्कशीट और टेंथ का और कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारा चीज़ हम कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ओपन करेंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे हमको अपलोड कर देना होगा। अपलोड करने के लिए यहाँ पे नीचे में अपलोड बटन है, अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे और ये सारे डॉक्यूमेंट को हम अपलोड कर लेंगे। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके। उसके बाद अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है जिससे आपको आरक्षण मिल सकता है वो अपलोड कर देंगे, नहीं तो इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे आपको सत्यापन करना होगा, जिसके लिए टिक मार्का लगाना होगा दोनों बॉक्स में, टिक मार्का लगाएंगे दोनों बॉक्स में। उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे यहाँ देख सकते हैं ये सबमिट हो गया है, योर रिस्पॉन्ड हैज बीन रिकॉर्डेड, हमारा जो अप्लाई है ये अप्लाई हो चुका है, रिकॉर्ड हो चुका है। तो एक सक्सेसफुल मैंने अप्लाई डाइट मधेपुरा में DLED 2022 के लिए अप्लाई कर चुके हैं।